हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज आपके लिए लेके आई हूँ छोले कुलचे की रेसिपी। नॉर्मली होते वो पीली वाली मटर हैं, पर उन्हें छोले बोलते हैं, और ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। जो बनाने का तरीका है वो शायद आपको डिफरेंट लगे, बट इसका टेस्ट एकदम लाजवाब आता है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये ओवरनाइट सोक्ड मटर है, उन्हें बॉयल करने के लिए रख दिया है। कम से कम 8 घंटे तो इसे भिगाना ही पड़ता है। और इसे मैं साथ में डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। और अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी और कम से कम 3-4 विसल आने तक इसे हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 सीटियाँ आ गई हैं और मैं एक छोले को दबा के देख रही हूँ, तो ये अच्छे से कुक हो गया है। हम इसे हल्का सा बिल्कुल मैश कर देंगे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा यमी हो जाता है, क्योंकि मटर का टेस्ट आ जाता है उसके रसे में। तो बस यहाँ पे हमारे मटर उबल के रेडी हो गए हैं और अब हम इनमें एक छौंक लगाएंगे। बहुत ज़्यादा मसालों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे मैंने ज़रा सा ये लहसुन और टमाटर का पेस्ट डाला है इसमें, और ये मैंने डाला थोड़ा सा किचन किंग मसाला और काली मिर्च। साथ ही साथ मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है, और नमक तो हमने डाल ही दिया था बॉयल करते समय ही। तो बस इसे हम मिक्स कर लेंगे, और ऊपर से हमें इसमें थोड़ी सी हरी धनिया और प्याज से इसका गार्निश कर देना है। और ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं, बहुत ही यमी लगते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मिर्च मसाले के। ये ज़रा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाल दिया है, और बस हमारे छोले तो रेडी हो गए हैं। तो मटर की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुलचे के लिए आटा रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून दही लिया है, और इसमें मैं ज़रा सा बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और मैं डालूँगी इसमें मैदा। तो यहाँ पे दही को मैं थोड़ा मिक्स कर ले रही हूँ, जिससे कि बेकिंग पाउडर एक्टिवेट हो जाए। और अब मैं इसमें 2 कप मैदा डाल के बहुत ज़रा सा पानी डाल के धीरे धीरे इसका एक बहुत ही नरम मुलायम सा डो रेडी करेंगे। इसको मिक्स करके और मैं थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख दूंगी, जिससे कि ये रेस्ट ले ले थोड़ा सा डो। और अब हम क्या करेंगे कि मैंने छोटी छोटी लोइयां बना ली हैं, और अब मैं इसे हल्के हाथों से बेल रही हूँ। इसके ऊपर हम डालेंगे ये कलौंजी, जिसे प्याज के बीज भी बोलते हैं। साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ हरी धनिया। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसे हल्का सा बेल लेंगे, प्रेस कर देंगे कुलचों पे, जिससे ये उसमें अच्छे से चिपक जाएं। इसी तरह से हम अपने बाकी के कुलचे भी तैयार कर लेंगे। सब पे मैंने कलौंजी डाल दी है, और इसके बाद सारे कुलचों पे मैं धनिया डाल दूंगी और इसे प्रेस कर दूंगी अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे कुलचे बनाने के लिए रेडी हो गए हैं। इन्हें हम इस समय हाफ कुक ही करेंगे, और बाकी की कुकिंग जब हम इन्हें सर्व करेंगे उस समय फिर से सेकेंगे। तो इस समय मैं इसे तवे पे डाल के आधा कच्चा आधा पक्का ही निकाल के और रख लूँगी। यहाँ पे तवा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें अपने तैयार किए हुए कुलचे एक एक करके सेक ले रही हूँ, और इसे फटाफट से दोनों तरफ से सेक के और रख लूँगी। और बाद में सर्व करते समय हम इसे फिर से सेकेंगे, जिससे कि ये गर्म भी रहेंगे। इस तरह से हम सारे कुलचों को हाफ डन करके रख लेंगे, और जब इन्हें सर्व करना होगा तो इसमें बटर या घी, जो भी आपको पसंद है, उसे लगा के इसे दोबारा से सेक के सर्व करेंगे। अगर इन्हें आपको नाश्ते में बनाना है, तो आपको रात में ही मटर भिगा के तैयारी करके रखनी होगी। और अगर रात के डिनर में बना रहे हैं, तो छोले को सुबह भिगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।